वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नरेशन पार्ट थर्ड। इसका ये थर्ड वीडियो मैं आज डालने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लें, जिससे इससे रिलेटेड रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और आगे भी मैं आपको और इससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारा इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे भेजे जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले करता हूं मैं। नरेशन पार्ट थर्ड, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मीन्स जब आपका रिपोर्टिंग, अब यहां पे समझने वाली चीज है कि रिपोर्टिंग कौन सा होगा, रिपोर्टेड कौन सा होगा। तो ये आपका जो इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला सेंटेंस है, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, और सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जब आपका फ्यूचर टेंस में हो तो किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही विल से यू आर वेरी क्लेवर, वह कहेगा आप बहुत चतुर हो। इनडायरेक्ट स्पीच, ही विल से, क्योंकि ये फ्यूचर में है, आपको कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा नोट डाउन कर लिया, ही विल से। अब आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देना है, कनेक्ट यहां पर आपका कंजक्शन दैट लगाना है। कौन सा कंजक्शन? दैट कंजक्शन लगाया जाएगा। अब आता है सब्जेक्ट यू, तो ये कौन सा पर्सन है, पर्सन समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर थ्री पर्सन होते, इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियोज में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख ले, जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और नेम। ये सब्जेक्ट्स, इनसे रिलेटेड पजेसिव, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट, सभी आपके पर्सन के अकॉर्डिंग होंगे। अब हमें देखना है कि यहां पर सेकंड पर्सन है तो रूल अप्लाई होता है एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेन। तो ये ट्रिक से आप इसे कर सकते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट मीन्स यहां पर आपका ये जो सब्जेक्ट है, जब फर्स्ट पर्सन होता है तो इस सब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट हट जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट अप्लाई करना होता है। यहाँ ही लिखा है तो यहाँ पर ही लगाना होता है, किसी का नेम लिखा है तो नेम लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड का, वो क्या है, सेकेंड पर्सन। और जब सेकेंड पर्सन होता है सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, सेकेंड पर्सन में रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से इसको चेंज करना होता है, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग में तो ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सिंपल सी चीज है, ही विल से, वह कहेगा, वह किसको कहेगा, सीधी सी बात है, मुझसे कहेगा। तो यहाँ पर सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट जो इसका होगा वो क्या होगा, मी होगा। तो मी के अकॉर्डिंग, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और उसका सब्जेक्ट होता है आई, तो हम यहां पर पुट कर देंगे आई। अब आई के इसमें हेल्पिंग वर्ब इजेमार चलता है, आर लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग इजेमार में से हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा आई के साथ, एम लगने वाला है, एम लगाया। वेरी क्लेवर नोट कर दिया, हो गया आंसर, ही विल से दैट आई एम वेरी क्लेवर, वह कहेगा कि मैं बहुत चतुर हूं। सेंटेंस नंबर सेकंड, कमल विल से, कमल कहेगा रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज एक सुंदर फूल है। जब इसका इनडायरेक्ट, आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इसे चेंज करेंगे तो क्या करना है, कमल विल से कनेक्टर दैट का यूज करना है, कंजक्शन दैट लगेगा, दैट के बाद चूंकि ये आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या बताया था मैंने,
ही सी इट एन इन एन थर्ड पर्सन में होगा और थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए रोज का रोज लिखना है। पूरा सेंटेंस नोट डाउन कर देंगे, रोज इज अ वेरी रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो कमल विल से दैट, कमल कहेगा कि रोज गुलाब एक सुंदर फूल है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड, डायरेक्ट स्पीच। ही विल से द ब्रेव नेवर डाइज, वह कहेगा कि ब्रेव नेवर डाइज, बहादुर कभी नहीं मरते। जब इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो बनेगा ही विल से, कंजक्शन दैट लगाना है, दैट लगाया, द ब्रेव ये भी थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज, ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा, ये सेकंड पर्सन में और ये थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में एंड फॉर नो चेंज, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। द ब्रेव का द ब्रेव नेवर डाइज कंप्लीट हो गया है। तो वह कहेगा कि बहादुर कभी नहीं मरते हैं। सेंटेंस नंबर फोर्थ, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया है। द स्टूडेंट विल से माई स्कूल इज एक्सीलेंट, माई स्कूल इज एक्सीलेंट, छात्र कहेगा मेरा स्कूल एक्सीलेंट है। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो द स्टूडेंट विल से, कंजक्शन दैट लगाना है। अब चूंकि माई दिया है, माई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन का आई का पजेसिव है, पजेसिव केस, तो हमें क्या करना है कि ये पजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में एस फॉर सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा था, स्टूडेंट, द स्टूडेंट का पजेसिव केस कौन सा चलता है, हिज हो जाएगा, ही शी ही के अकॉर्डिंग हिज, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ही का यूज किया जाएगा, क्यों, या फिर यहाँ पे क्लियर नहीं, स्टूडेंट कॉमन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, तो आप यहाँ हिज और हर का यूज कर सकते हैं। फिर आपको स्कूल का स्कूल लेना आगे इज, तो दैट हिज स्कूल इज एक्सीलेंट, तो छात्र कहेगा कि उसका स्कूल एक्सीलेंट है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट स्पीच, आई शैल से यू आर माय फ्रेंड, मैं कहूंगा आप मेरे दोस्त हो। आई शैल से दैट, मैं कहूंगा कि, अब चूंकि यू कौन सा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको बताया था कि आई मैं कहूंगा, आई शैल से मैं कहूंगा, तो किससे कहूंगा, सामने वाले से, और सामने वाले के लिए हम यूज करते हैं यू, तो यू का जो सब्जेक्ट यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यू को चेंज करेंगे, किससे, यू को यू से चेंज करेंगे, तो क्या आना है यू, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर चाहिए, तो यू आएगा। अब आर माय फ्रेंड नोट कर दिया, कंप्लीट है अपना, बन गया आई सेल से दैट यू आर माय फ्रेंड, मैं कहूंगा कि आप मेरे दोस्त हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है।